नेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिन के मिजोरम दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राहुल ने मिजोरम के कांग्रेस नेताओं से बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के बारे में एक अलग विचार रखते हैं। भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल बोले कि हम मानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, जहां सभी संस्कृतियों, सभी धर्मों, सभी इतिहासों को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस ने देश के मूलभूत ढांचे को बनाने में मदद की और हमेशा इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरे से राहुल मिजोरम की जनता, खास तौर पर युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन जनसभा के बाद राहुल ने शाम को आइजोल के युवाओं से सीधा संवाद किया। वहीं राहुल के आइजोल पहुंचते ही कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा की 40 से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आज राहुल लुंगलेई शहर का दौरा करेंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल मंगलवार को लुंगलेई से हेलीकॉप्टर से अगरतला होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।